वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम एक दो दिन व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हम मसरूफ थे, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बर्ड्स की वीडियो नहीं बल्कि आज हम पतंगों की वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आज हम पतंगबाजी कर रहे हैं बड़े ज़ोरों से। तो हम नई डोर भी ले आए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी डोर है काफ़ी। और हमारे घर ये बच्चा भी आया हुआ है, हमारा भतीजा आया हुआ है माशाल्लाह से, क्यूट बेबी है हमारा। और ये देखें, शेरी भाई भी आया हुआ है। और हमने कहा इसे व्लॉग में हम पतंग को दिखाएंगे, तो चरखी पकड़ने के लिए भी होना चाहिए। चरखी पकड़ने के लिए शेरी भाई को हमने बुलाया है, तो चलते हैं पतंग उड़ाते हैं क्योंकि शेरी भाई को काफी जल्दी है पतंग उड़ाने की। तो चलें, आपको व्लॉग शुरू करके दिखाते हैं, पतंगबाजी करते हैं। और चाचू कैसे हो? ठीक हो? पतंग उड़ाए स्टार्ट करे? पक्की बात है? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, बड़े पतंगबाज ने चरखी पकड़ी हुई है, और इससे बड़ा पतंगबाज ये शेरी भाई है। वो देखें, लाल वाला हमारा पतंग उड़ा हुआ है। और अब्बू जी भी आ गए हैं, असीफ भाई तोतों को दाने डाल रहे हैं। और यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ ठहरी हुई हैं, इनको भी दाना वगैरह डालते हैं। अभी कबूतरों को दाना डाल दिया हमने। ये देखें असीफ भाई तोतों के लिए दाना बना रहे हैं, अब्बू जी भी आ गए हैं। और ये देखें, कबूतरों को दाना डाल दिया है, कबूतर दाना खा रहे हैं। हम अभी पतंग उड़ाते हैं और पेचा लगा रहे हैं। असीफ भाई आ गए हैं पेचा लगाने के लिए। उस्ताद हसीफ खान हसन आ गए हैं, और सफरान का हमारा पतंग है। आपको जूम करके दिखाते हैं, ये लाल वाला हमारा पतंग है। और ये पेचा पेचा लगने लगा है बिल्कुल। देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। ये अपनी सराय की जबान बोल रहे हैं दोनों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। हाँ, हाथ किसका कटेगा चाचू? हाँ, किसका पता है? हमारा कटेगा है, औरों की काटे? पक्की बात है? चलो काटते हैं, अभी काट। ये पतंग हमारे रखे हुए हैं, एक रेड ताव है और एक परी है हमारी, और पेचा लग के जा रहे हैं हमारा। अब देखते हैं क्या होता है, वो पतंग आपसे बड़ा है। सीप भाई का पेचा लग चुका है, देखते हैं क्या होता है। वंजाड़े वंजाड़े यार वंजाड़े, और नहीं मैं नहीं वंजाड़े वंजाड़े। हम सराय की अपनी जबान बोल रहे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। पेचा लग चुका है, अब हम ढील जाने दे रहे हैं बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। आपको ज़रा जूम करके दिखाते हैं, ये राइट साइड पे हमारा पतंग है और साथ दूसरे भाई का है। देखते हैं अब क्या होता है, शायद उसके पास भी डोर काफ़ी है। नहीं मैंने नहीं मैंने चरखी, ये ढील जा रही है हमारी बिल्कुल फुल स्पीड से। क्या कर रहा है भाई महादेव? पीछे देख रहे, नज़र आ रहा है पतंग हमारा? देखें पेचा हमारा फुल स्पीड से जा रहा है, और ये देखें हमारा पेचा फुल स्पीड से है, और साथ में दो और पतंग भी आ गए, इनका पेचा भी जा रहा है। अब देखते हैं कि हमारे ऊपर उनकी डोर पड़ती है नहीं पड़ती। डोर फुल स्पीड से जा रही है हमारी, थोड़ी थोड़ी लटक भी रही है। सिर्फ डोर यार ऊपर कर थोड़ी सी, ये बड़ा, ये बड़ा पतंगबाज है हमारा, बड़ा पतंगबाज। कौन सा काटे? तीनों काटे। चलो काटते हैं, था लेकिन पेचा छूट गया है। अब देखें हमारा भतीजा उड़ा रहा है, बड़ा पतंगबाज है। बात मजा आ रहा है, हैं चाचू? हैं क्या ले आए पतंग को वापस? जल्दी जल्दी उतारना, जल्दी जल्दी उतार उतार उतार, तंग आ रही है, हैं? बड़ी मुश्किल है, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, उतार उतार लेट हो रही लेट से बहुत सुबह से आ जाएगी आ जाएगी।
दोस्तों ये है, और ये देखे ये इसको ये उड़ाने की बड़ी माहिर लग रही है। उड़ाने दो नेपाल को, उड़ाने दो, मजा आ रहा है। उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, अच्छा उड़ाओ, आप उड़ाओ, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, बस मजा आ रहा है। वाह भाई वाह, देखें दोस्तों दोनों बच्चे उड़ा रहे हैं पतंगबाज। और ये देखें मुर्गियां आटा खा रही हैं, थोड़ी सी इनकी तबीयत ख़राब है, इनको खाने देते हैं, तंग नहीं करते। चलें अब बच्चों से पतंग ले लेते हैं, इन्होंने काफ़ी उड़ा लिया है। हसीब भाई आ गए हैं, इस पतंग को उतार रहे हैं हम। उस्ताद हसीब हसन साहब, ये हर चीज़ के उस्ताद हैं, परिंदों के चाहे कोई भी चीज़ हो। बड़ा वाला पतंग उड़ा रहे हैं, इसका ज़रा तार नहीं है, ये ज़रा तंग कर रहा है। दोस्तों अब हम ये वाला पतंग उड़ाने लगे हैं, वो थोड़ा मज़े का नहीं था, उसका वज़न नहीं था, जिसकी वजह से दूसरे पतंग नहीं काट रहे थे, इसलिए हमने वो उतार लिया है। अब ये पतंग उड़ा रहे हैं हम। उड़ाएं बच्चों, यस ओके, सुन सुन। दोस्तों यहाँ पर हम अभी ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि हमारा पतंग अभी अभी कटा है, और माशाल्लाह से हमने एक ही पतंग से 5-6 पतंग काटे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ब्लॉग में, आपको और भी इंटरटेनमेंट करते रहेंगे।